नमस्कार, जन समय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं करिश्मा मेहता ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। मुंबई जोधपुर नई ट्रेन का मोद्रा में हुआ स्वागत, जालों को मिली नई ट्रेन। सांसद ने बांद्रा से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मन की बात रथ यात्रा का किया स्वागत, प्याऊ व चबूतरा का किया शुभारंभ। चिकित्सा शिविर में सांस जांच कर दी उपचार की सलाह। विद्यालय में आयोजित हुआ विधाई समारोह, बाबा रामदेव जी के नाम भजन संध्या आयोजित। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर बैठक आयोजित, गुंटूर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आरंभ। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हुए विभिन्न कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। मुंबई जोधपुर नई ट्रेन का मोद्रा में हुआ स्वागत। मोद्रा से जगमान सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार जिले को मिली नई ट्रेन बांद्रा से भगत की कोठी एक्सप्रेस का मोद्रा स्टेशन पर स्वागत किया गया। लोको पायलट भूपेंद्र कुमार व गार्ड हिमताराम राजपुरोहित को साफा माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर मोद्रा रेलवे संघ समिति के सदस्यों व सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा मोद्रा स्टेशन पर पहली बार नई ट्रेन का बांद्रा टर्मिनल से मोद्रा आने पर भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने इस नई ट्रेन को नियमित चलाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री पीयूष गोयल व जालौर सिरोही लोकसभा के सांसद देवजी भाई पटेल को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। पिछले 10 वर्षों से यात्रियों को नई ट्रेन का इंतजार था, जो अब पूरी हुई है। यात्रियों ने इस ट्रेन को प्रतिदिन चलाने की मांग रेल मंत्री महोदय व प्रधानमंत्री से की है। इस अवसर पर रेलवे संघ समिति के मोद्रा अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष जगमान सिंह राजपुरोहित, मंत्री दलपत सिंह राठौड़, राम सिंह राठौड़, प्रवीण दास संत सहित सैकड़ों ग्रामीणों मौजूद रहे। जालौर को मिली नई ट्रेन, सांसद ने बांद्रा से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मोद्रा से जगमान सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई से जोधपुर के लिए स्पेशल ट्रेन को हर सोमवार व गुरुवार को दोपहर 1:05 पर रवाना होकर दोपहर 1:36 बोरीवली, 3:27 पर वापी, 5:07 सूरत, 5:50 भरूच, 6:57 पर बड़ोदरा और रात 8:50 पर अहमदाबाद, 11:24 पर मेहसाना, 2:50 पर भिलड़ी, 3:13 पर धानेरा, 4:00 रानीवाड़ा, 4:26 पर मालवा भिंडवाल, सुबह 4:51 पर मोद्रा में तथा 5:23 पर जालौर पहुंचेगी, जो मौकसर 5:49, समदड़ी 6:16, जोधपुर भगत की कोठी सुबह 8:20 पर पहुंचेगी। वही वापसी में भगत की कोठी से बुधवार व रविवार दोपहर 3:00 रवाना होगी, जो सुबह 11:40 बांद्रा पहुंचेगी। मन की बात रथ यात्रा का किया स्वागत, बादल से रंजीत सिंह राठौड़ की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे में आम चौराहे पर मोदी की मन की बात एवं संकल्प पत्र रथ यात्रा पहुंची, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रथ यात्रा का स्वागत किया। ब्रादरजून मंडल महामंत्री दिनेश सिंह ने बताया कि जनता से मिले सुझावों के आधार पर ही भाजपा अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। ये यात्रा प्रत्येक लोकसभा, विधानसभा, गांव व बूथ तक जाएगी तथा जनता से सीधा संवाद करेगी, जिसे जनता की मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा किसान, युवा, महिलाओं, व्यापारी, अनुसूचित पिछड़ा व अन्य वर्ग के मन की बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करेगी। भाजपा मंडल महामंत्री शंकर भारती मोहिवाड़ा के अनुसार लोगों ने मन की बात लिखकर बॉक्स में डाली। इस अवसर पर भाजपा महामंत्री दिनेश सिंह, शंकर भारती, प्रभारी थान सिंह भाटी, चोक सिंह, गणपत सिंह राठौड़ समेत भाजपा कार्यकर्ता एवं कस्बेवासी मौजूद रहे। प्याऊ व चबूतरे का किया शुभारंभ, बाकड़ा गांव से नाग सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे में शुक्रवार को भामाशाह जमुना देवी धर्मपत्नी बजाराम मालवी चौधरी परिवार की ओर से प्याऊ व चबूतरा का बनाकर समप्रेम भेंट किया गया। जानकारी के अनुसार भावेश्री माली के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ मुख्य अतिथि बाकड़ा ठाकुर, भैरव सिंह चंपावत व उप सरपंच गुराराम चौधरी, भामाशाह बजाराम मालवी व उनके परिवार सहित ग्रामीणों की मौजूदगी में फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर चंपावत ने कहा कि भामाशाह की गांव में कोई कमी नहीं है और इस प्रकार धर्म के कार्य में अपना तन मन व धन लगाकर लोगों की सेवा करने का पुण्य कार्य करे और वो सर्वोत्तम है। इस अवसर पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। चिकित्सा शिविर में स्वास्थ्य जांच कर दी उपचार की सलाह। जालौर से उदित सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित लाल पोल के बाद जिला प्रशासन व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें 30 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष व महिलाओं के शरीर की जांच की गई। मधुमेह रोग, उच्च रक्तचाप, सीवीडी एवं कैंसर जैसे रोगों की जांच कर उन्हें उचित उपचार की सलाह दी। शिविर में डॉक्टर गजानन शर्मा,
मेनस प्रथम शहजाद खान, मेनस प्रथम रमजान खान, रमेश गर्ग, ललित कुमार, प्रवीण कुमार, देवेंद्र सिंह सहित चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। शिविर में लगभग 100 से अधिक मरीजों के सांस की जांच की गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाध्यापक रूपाराम ने भामाशाह को धन्यवाद ज्ञापित किया और विदाई लेने वाली बालिकाओं को आशीर्वाद के रूप में बोर्ड परीक्षा के बारे में जानकारी। बाबा गांधी जी के नाम भजन संध्या आयोजित। विजय सिंह राजपूत जेरन की रिपोर्ट के अनुसार एक शाम श्री बाबा रामदेव के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक दुदाराम सुतार, अनकापली व खे सिंह राजपूत, विशाखापट्टनम एंड पार्टी ने एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर श्री बाबा रामदेव मंदिर टूनी गोदावरी आंध्र प्रदेश अध्यक्ष मंगलाराम राजपूत विशाला, भोजन प्रसाद जागरण के लाभार्थी देवासी सावलाराम चीना जी, विशेष कार्यकर्ता शक्रा जी, मसरा जी, फूल जी, जोधा जी सहित कई लोग मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर बैठक आयोजित। बादलजन से रंजीत सिंह राठौड़ की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे में श्री कृष्ण गौशाला स्थित नवनिर्मित सुभद्रा अर्जुन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर स्थानीय गौशाला में मंत संतोष भारती महाराज के सानिध्य में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 11 मई को होने वाली मंदिर प्रतिष्ठा के लिए विभिन्न तैयारी पर चर्चा की गई। वही 23 मार्च से 26 मार्च तक श्री कृष्ण गौशाला में नैनीबाई रूम मामेरों कथा वाचन के आयोजन को लेकर भी कार्य योजना बनाई गई। इस मौके पर माँ मंडलेश्वर संतोष भारती महाराज, उत्तम चंद सोनी, दरगाराम चौधरी, गुणेश सिंह, जीवन दास, रमेश कुमार सोनी समेत कई लोग उपस्थित रहे। कुंडू में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आरंभ। विजयवाड़ा से पर्वत शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार श्री राजस्थानी विष्णु समाज ट्रस्ट गुंडूर के सौजन्य में आयोजित श्री बाबा रामदेव जी, श्री अम्बे माता जी एवं श्री अम्बेश्वर जी महादेव जी के नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के मांगलिक कार्यक्रम संत महात्माओं के सानिध्य में शुरू हुए। महोत्सव के प्रथम दिन आज कुटीर होम, गणेश पूजन सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। मांगलिक कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा से हुआ, जिसमें कदली मठ के राजा जी निर्मलनाथ जी, लेटा के रणछोड़ भारती जी, गाजियाबाद के नारायण गिरी जी, जालौर के आनंद नाथ जी, कालंत्री के स्वामी देवानंद जी का सानिध्य रहा। युवा मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह ने बताया कि महोत्सव 3 दिन तक चलेगा। वह शनिवार को आचार्य राम अवतार के द्वारा विधि विधान के साथ अम्बे माता, बाबा रामदेव और अम्बेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न करवाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हुए विभिन्न कार्यक्रम। विजयवाड़ा से पर्वत शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार श्री संभनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संत मारवाड़ी टेम्पल स्ट्रीट विजयवाड़ा द्वारा श्री संभनाथ प्रभु अर्जन शाला का प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित कार्यक्रम में 7वें दिन भगवान श्री संभनाथ कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत जिन्हों उदाहरित एवं नूतन जिनाले में भगवान के 18 अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने जैन समाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि जैन समाज हर मुश्किल में जरूरतमंदों की सेवा एवं हर किसी आपदा में निरंतर तन मन धन से अपनी सेवा में लगा रहता है। ऐसे समाज से हर किसी को प्रेरणा लेकर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।
अवसर पर रात्रि भक्ति संध्या का भी आयोजन हुआ। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय भारत, जय जारो।